शबाज शरीफ साहब टीवी पे आते हैं, कभी कुछ कह जाते हैं, कभी कुछ कह जाते हैं, स्टेट बैंक का गवर्नर कुछ कह रहा है, वजीर खजाना कुछ कह रहा है, जो बाकी एडवाइजर कुछ कह रहे हैं, बात किसी से भी नहीं बन रही। ना अहल ना लायक खलंडरों का टोला वो उसको यहाँ पे आके पाकिस्तान के सर पे बिठा दिया गया और शबाज शरीफ साहब को 22 करोड़ अवाम पर मुसलत कर दिया गया। स्टॉक मार्केट जमीन बोस हो गई और आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई और गुर्बत है, अंदर गुर्बत और महंगाई है और बाहर सफारी तन्हाई है। ये आलम है पाकिस्तान का। सबज परचम की इज्जत का हाल ये है कि एक एक बिलियन डॉलर, एक बिलियन डॉलर की के लिए भीख मांगने के लिए किशकोल ले लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान को बेतौकीर कर दिया है, बेइज्जत कर दिया है इन्होंने। और इमरान खान को क्रेडिट मिलना चाहिए, ये भी बेचारा देखें घर से बेघर हुआ होगा, क्या कसूर इसका, क्या किया इसने, क्या क्राइम पिट किया, क्या इन्होंने अपना पाकिस्तान का लूटा है या क्या पाकिस्तान का चोरी किया है। आप जानते हैं भाई, जानते हैं आप अच्छी तरह से। इमरान खान सर बैठे हैं, पूछें सबसे, पूछें मुझे, पूछें सबसे, पूछें किसने पाकिस्तान में स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बनाई, ये इमरान खान यहां बैठे हूं और इनकी टीम ने अस्पताल क्यों बनाए, इन्होंने इन्होंने अस्पताल बनाए, बेहतरीन अस्पताल बनाए, ऐसे अस्पताल कि उसके स्टैंडर्ड के अस्पताल यहां लंदन में भी मुश्किल से देखने में मिलते हैं ऐसे अस्पताल। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल अपना पाकिस्तान को बेतौकीर कर दिया है अमेरिकन टेलीविजन। आपको इस्लामाबाद के मेयर से भी कमतर बता रहा है कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ऐसे ही है जैसे इस्लामाबाद का मेयर होता है। भाई ये पाकिस्तान का आपने ही हल कर दिया है खुशहाली।